इतने बड़े होंगे और नहीं होंगे तो हम बना देंगे तुम्हें बढ़िया। सो फाइनली हम लोग एक और रिएक्शन था, वो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं या भी द गोड के एक और सॉन्ग पे जिसका नाम होने वाला है भगवान। सो बेसिकली अपन लोगों ने ये था उठा सुना, ठीक है, और मतलब उस पर तुमने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है। दूसरी बात ये, वो सॉन्ग मेरे स्टूडियो में कम से कम 100 बार प्ले हो गया, ठीक है, मतलब मैं उस पर वाइब कर रहा हूँ, कोई और सॉन्ग बज नहीं रहा, मतलब ऐसा सीन हो गया, ठीक है। मैं बोला भाई यू नो एक और रिएक्शन लेके आना पड़ेगा, और मैं ऐसा आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में कि अपने को ना यावी के लिए एक सीरीज निकालनी चाहिए। ही डिजर्व्स इट भाई, मतलब सारे गाने बहुत वाइबी लग रहे हैं, ठीक है। और यो मतलब अपने बहुत लोग के लिए किया है, मीवी के लिए किया है, एमसी सैन के लिए किया है, वीटन के लिए किया है, बहुत सारे रैपर्स के लिए सीरीज निकाली है, एंड मेरे को लगता है भाई यावी के लिए अपने को निकालनी चाहिए। तो कौन कौन यू नो रेडी है उसके लिए, हाथ उठा दो। उस सीरीज में मतलब सारे यावी के गाने आएंगे, उस पर रिएक्शन आएंगे, बहुत कुछ होगा, ठीक है। सो मुझे बताओ किस किस को वो चाहिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब करो यार, अपन बहुत जल्दी ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, 50 के फटाफट पहुंचते हैं। ट्रांसलेशन अपने पास आ चुका है, ये मोस्ट सजेस्टेड ट्रैक था इसलिए मैंने अभी इसको लिया है, और भी बहुत सारे ट्रैक्स हैं अभी तो अपने सीरीज में कवर अप करेंगे उसे, ठीक है। फिलहाल के लिए लेट्स गेट इन, बड़ा सॉन्ग होने वाला है एंड मजा आएगा यार, लेट्स गो। ब्लैकफिश स्पॉन्सर्ड है भाई ये। ओके फिल्म बाय गौरव भैया, भाई ये भी कॉन्सेप्ट वाला होने वाला है, लेट्स गो भाई। डैम खाना सना खाए फिर आए उन चटपट एक कॉल में गौरव पर फ्री स्टाइलिंग, लेट्स गो। क्यों आयो, के गर्न खोजेको तैले, यो के लेखिराको भने भाई, लेख्नु पर्ने यहाँ हो क्या, तैले त्यहाँ आइन लेख्नु पर्ने, बुझिस नि, त्यो र्याप लेखेर चल्छ घर, जति बेला साथीहरूसँग घुमेको छ, आँखा के भएको तेरो, आँखा देखा त, आँखा देखा त खै जहिले रातो हुन्छ तेरो आँखा, अनि रुम के बनाएको यस्तो। ओ ड्याम भाई, उसका ब्रदर उसको थोडा सा डाँट रहा है, एंड यू नो कि वो ओह शिट ब्रो, ये रैपर की लाइफ के ऊपर गाना होने वाला है भाई, उसको बोल रहा है कि तेरे रैप करने से घर घर चलेगा क्या, और तेरी आंखें मेरे को दिखा बेसिकली, ये रूम को क्या बना के रखा हुआ है तूने, ही स्मोकिंग एवरीथिंग ब्रो, कम ऑन। तिमीले साथीसँग घुमेको छ, आँखा के भएको तेरो, आँखा देखा त, आँखा देखा त खै जहिले रातो हुन्छ तेरो आँखा, अनि रूम के बनाएको यस्तो, आमा बाबुले तँले के भनेर पठाएको थियो याद छ, भाई सुन्न, यहाँ सुन्न, कहाँ गइरहेको होला त ब्रो। भाई ये सब बातें जब होती ना मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ भाई, वो बोल रहा है कि यू नो देखो याद है कैसे मॉम डैड ने पैसे जोड़ के एंड एवरीथिंग, तुझे पढ़ाया था, तुझे वो सब तुम कैसे तू भूल सकता है, इसे तू क्या कर रहा है। डैम ब्रो कम ऑन, क्या बोल रहा था, यो लगा ही था भाई ये साइफर पे जाने वाला है, पता है मेरे को अंदर से आ रहा है भाई ये साइफर जा रहा है भाई, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैंने यार हर हर एक बंदे के लाइफ में यार, मैं मतलब घर से मार खा के भी यू नो साइफर्स में और यू नो बैटल्स में और कभी भी मतलब क्लासेस मिस नहीं करता था भाई, मतलब मेरे ग्रुप में ऐसे ऐसे लौंडे भाई वो बिना चप्पल के वॉक करके आते थे क्लासेस पे, समझ रहे हो, तो इतना डेडिकेशन था। डैम ब्रो कम ऑन, बहुत कनेक्ट करने वाला इस ट्रैक से मैं, और तुम देख रहे हो कैसे स्विच किया, वो कितनी सीरियस बात चल रही थी वहां से लेकर बीट देखो तुम यार, पूरा वाइब मिला दिया, वी आर रेडी भाई, तुम स्पिट करो यार। सैटरडे संडे साथी भाई साथ मा रिजी लाने र रातो छाका टाइम मा कराइ छ बन्दै छ नाम मा तर घर जाने बाडो मा छ मा मा डिसु बन्दा लाग्यो उसले ड्रामा बन्दै छ मन पर्दैन त्यस्तो गाना किरा लागेको छ तेरो जराम मा सबै रैपर्स हरु हुन्छ न साम मा कुरा त्यस्तो छैन नि हो छैन नि बिग्रेको समाजिक कुराले नजान्ने बुढाले आर्टिस्टले ट्यापे बनाइदियो मेरो समाजमा कसैले नगरे कुरा गर्न मन नाइ थियो मैले। ओ डैम ब्रो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स भाई, ठीक है, यू नो सैटरडे संडे मैं अपने भाइयों के साथ बिताता हूँ, वी यू नो जैम और साइफर्स करते हैं हम लोग, बहुत चीज़ें करते हैं, और मुझे यू नो वो पेरेंट्स का हमेशा रहता है कि भाई घर जल्दी आ जाना, मेरे घर वाले बोलते हैं मेरे को बेसिकली, बट मैं भी क्या करूँ, मैं ठहरा आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, यू नो कि सबको रैपिंग का कीड़ा है और सबको ये चीज़ें बुरी लगती है कि यू नो कोई रैपिंग थिंग समझ ही नहीं रहा आजकल ज़िंदगी में, और बेसिकली यू नो सारे रैपर्स नशे में रहते हैं, और भाई मतलब बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट की हुई है यार कि मतलब इस सोसाइटी में बेसिकली इसी सब मुद्दों के ऊपर फिर है ना गाने लिखे जाते हैं, टेप्स बनाता है एक आर्टिस्ट, और पर जो सोसाइटी वो कभी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, सोसाइटी मैं ना लोगों को बोलने का अलाउंस नहीं देती, मतलब समझ रहे हो, बोलने का अलाउंस ही नहीं है। जैसे कि एक चीज़ मैंने अभी देखी शायद से कि वो बंदा सिगरेट पी रहा है, ठीक है, या भी और वो जा रहा है बेसिकली, और है ना सामने से दुकानदार बैठा हुआ है, वो है ना उसको देख कैसे करता है,
मतलब यू नो क्या गलत चीजें कर रहा है मेरे ख्याल से, और फिर 2 सेकंड बाद वो खुद सिगरेट पी रहा है, समझ रहे हो? तो मतलब लोग खुद को नहीं देखते, लोग जज करते बस तुमको कि तुम क्या कर रहे हो, और दैट्स द सीन भाई यार ब्रो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बट कम ऑन मैले गर्न थालेन राम्रो चरित्र म माथि खनाइ दियो सबै कुराहरुले स्टाउन्छ मलाई ति परै छु म रिसला चलाए म छु पनि साथी अर्पण भए क्याप्टर कितने कि रात काटे मोर मेरो भाई दिन भरि जिदि भाई दैट्स द सीन कि यू नो मैं स्लोली स्लोली चलता रहता हूँ, ठीक है, मैं स्लोली स्लोली बर्न होता रहता हूँ। दूसरी चीज़ की यू नो मेरे धीरे धीरे करके फ्रेंड्स भी डिसअपेयर होते जा रहे, और बट फिर भी मैं कैसे कैसे करके रात काट लेता हूँ, गाने वाने लिखते हैं हम लोग, देन वो कुछ ब्रदर को शॉट आउट दे रहे हैं वहाँ पर, रुक जाओ यार। मेरा भाई दिन भरी दीदी को स्कूटी में राइड आमाले पुस्के को रात न खाई चल दिने म्यूजिक रिकॉर्ड गर्न लाई त्यसैले खुश वे बाछु म दुख में हाँसु म थोड़ी छ मिलने साथी उनको लागि भाई साहब यार क्या चीज़ें चल रही है ब्रो, कि हम लोग है ना सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है, मैं और मेरा भाई यू नो स्कूटी राइड करते हुए दीदी की, और फिर जो भी चीज़ें, मतलब यार इट इज़ लाइक बहुत कनेक्टेड सॉन्ग है मुझसे, पता नहीं, मतलब मैं आई डोंट नो यार कि मेरे लाइफ में पता है बहुत कुछ चलता रहता है, बट जब मैं यहाँ आता हूँ ना, यहाँ बैठता हूँ तो मैं हंसने लग जाता हूँ भाई, ठीक है, मैं खुश हो जाता हूँ कि भाई कोई मुझे देख रहा है, मेरे फैंस मेरे साथ है, मेरे फैम मेरे साथ है, बस उन चीज़ों के लिए मैं काम करता हूँ, मेरे पीछे क्या चलता है, मैं कभी रो रहा हूँ क्या कर रहा हूँ किसी को नहीं पता चलता, तो वो वही बोलते हैं कि यार दुख में भी हंसता हूँ मैं, ठीक है, काट रहा हूँ जिंदगी कैसे ना कैसे करके, म्यूजिक रिकॉर्ड चल रहा है और बस खुश हूँ यार मैं, दैट्स द सीन यार। मेरे को ये भी नहीं पता कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, ठीक है, बट जैसे भी करके मेरी जिंदगी कट रही है, एक सिगरेट होती है, 4 पत्ते होते हैं, एक और दिन पास हो जाता है, ठीक है, सो ऐसे करके मेरी जिंदगी कट रही है, और मेरे को नहीं पता कि मैं शायद सर्वाइव भी ना कर पाऊँ, क्या पता मैं कल को मर भी जाऊँ, और मरने के बाद मैं जाऊँगा वहीं जहाँ पे बुद्धा का आश्रम होगा ब्रो, और वो एक और होपलेस किड को वहाँ पे देखता है, ठीक है, वहाँ पे एड्रेस करता है, वो शायद से मांगने बैठा हुआ है, और इट इज़ लाइक कि ये इतना शायद से ठीक ठाक घर से भी होके भी यू नो वो होपलेस ही है कि उसको फ्यूचर का पता नहीं है, एंड सेम विद द किड जो मांगने बैठा है उसको भी खुद के फ्यूचर का पता नहीं है, तो दे आर लाइक द सेम, और उसने जाके वो बैठ रहा है वहाँ पे मेरो घाटी च्यापी मार दे भगवान, मेरो लाइफ मा सब कुरा ठीक पार दे भगवान, भाई ऐसे पता है भगवान, जैसे टाइटल मैंने सुना था ना, मेरे को लग रहा था बहुत ही ऐसे कोई होली सॉन्ग होगा, मतलब ऐसा यू नो भगवान की बातें हो रही होंगी, एक मैंने सॉन्ग सुना था शायद नेपाल से ही था, ईस का था, पता नहीं किसका था, किसी का तो था, बट उसमें ऐसा मतलब ऐसा था कि भाई बस धर्म के ऊपर अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे, कुछ डिबेट कर रहे थे, मेरे को कुछ ऐसा फील है, मैं बोला भाई को डिबेट होने वाली है भाई, ये कुछ अलग ही लाया है भाई, ये कुछ अलग ही लाया है, ये बोल रहा है कि मेरी जिंदगी में इतना कुछ खराब चले, यहाँ तो भाई तुम मुझे मार दो, ठीक है, मेरी गर्दन काट दो भाई तुम, या तो मुझे भाई मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो भाई, दैट्स द सीन, मैं इतना डिप्रेस हो चुका अभी, दैट्स द सीन, यो माय ब्रो कम ऑन। तीन बड़ी चार्ज में कसैले चिन्थे न सिनियर दाहरू सँग हिँड्थे म जिन्दगी बनाएउ जस्तो लाग्थ्यो तर त्यही मेरो नराम्रो दिन रहेछ पनि भाइहरूलाई सम्झाउँछु म जति सम्झाए नि फ्री मान्दैन हुन त गलत होइन मेरो भाइ। इट इज़ लाइक कि ब्रो देर वॉज अ टाइम जब मेरे को ऐसा लगता था कि यू नो जो मैं कर रहा हूँ मेरे सीनियर सिबलिंग्स के साथ में घूमता था, दैट वॉज लाइफ, वो मेरा पहले का टाइम था, तो मेरे को लगता था यही लाइफ है, यही खुशी है, ठीक है, बट पता नहीं अब मैं ऐसे एक फ्रेज में आ चुका हूँ जहाँ पे बस मेरा हर दिन और आज का दिन भी बहुत सैड जा रहा है ब्रो। We can see that, bhai. We can see that. No, no, the color thay no. Mero bhai, rupee por na ke na bhai saman deal handai chha. Acha, mero jime bari case kai raknu por dena. Damn, bro. Ye student ka wo hota hai na report card. Usko dekhta hai pehle. You know, usko shayad se kuch to hua tha aur usko fir hai na wo marks box dekhe se mod ke usi par you know likhna chalu kar dete lyrics. उसको कुछ नहीं पड़ी भाई, उसको कुछ नहीं पड़ी। मेरो जिम्मेवारी के सिकाइ राख्नु पर्दैन दुनियादार ले त काम लाग्दैन स्पन्त मेरो टीचर कसले नगरा काम गर्दै छु हेर जसो भए पनि नो रिग्रेट आज भोलि नो पिल्स नो सिग्रेट गर्नु छ वाइबी को सपना पूरा त्यसैले अब नो बिप नो इस वेस्ट नो बिस नो स्ट्रेस तेरो जे मन जते डैम ब्रो वो बोल रहा हूँ ठीक है आज से यू नो सबको सुधारते हैं ब्रो अभी पकड़ते सुधारते हैं भाई अगर रैप करो ठीक है रैप करते हैं भाई ठीक है वो बोल रहे हैं कि आज से भाई नो सिगरेट्स नो पिल्स आज से कुछ ऐसा नहीं होगा आज से मैं यामाबद्धा सर का ड्रीम पूरा करूंगा या वाईबी का ड्रीम पूरा एंड एवरीथिंग यू नो सो नो आज से कोई भाई मैं ना देखो यही होता है मेरे साथ मैं जब मेरा ओवर एक्साइटेड होता हूँ मैं बोल ही नहीं पा रहा होता हूँ मतलब ये बोल रहे हैं कि आज से कोई बीफ नहीं करेंगे भाई अपने जैसा उनने यामाबद्धा सर ने बोला था भाई पीस लाएंगे यू नो बैटल्स करेंगे अच्छी खासी और यू नो मतलब अच्छे से करेंगे मतलब यू नो
तमीज से करेंगे। तो भाई आज से कोई बीफ नहीं, आज से कोई ईस्ट वेस्ट कोस्ट वाला साइड नहीं, आज से कोई बिचेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं भाई, ये चाहिए ही नहीं अपने को। आजकल मैं देख रहा हूँ यू नो जैसे कि अपन फॉरेन में ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट का तुमको पता है कि कैसा झगड़ा चलता था, ठीक है। तो आजकल मैं नेपाल में भी देख पा रहा हूँ बहुत लोग इवॉल्व हो रहे, ठीक है। बट ईस्ट वेस्ट करें मतलब रखेंगे, होगा तो वो सही, बट बीफ के लिए नहीं रखेंगे भाई, अच्छी चीजों के लिए रखेंगे, कोलैप्स करेंगे ब्रो, लेट्स गो। नो पीस नो स्ट्रेस तेरो जे मन जते गरे आई डोंट केयर मुटु टुकुरा हुन लाग्दिन पेर पानी न परोस तेरो त्यसैले म एक्लै छु एक्लै छोड दे साथी भाई सँग नि हुँदैन पेट जस्तो लाग्छ म सुत्ने पेट मैले त राम्रै गर्न खोजेको तर सबैको राम्रो सोच्दा पाए हेट मेरो ताईले पन्छ छोड दे त र्याप कति गरे पाउलाई बुढी माउलाई राख भाई कि यू नो तुम्हें ये चीज समझ लेनी होगी इस दुनिया में आके कि यू नो एक तो खुद पे बिलीव करो, दूसरी बात ये कि तुम तभी भी अकेले ही थे, अभी भी अकेले ही हो और आगे भी अकेले ही रहोगे। ये जब तक तुम ये बात नहीं समझोगे तब तक तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा। दिल टूटेगा तो तुमको पता चलेगा तुम अकेले ही थे शुरुआत से, ठीक है। सो किसी पे होप मत रखो, कोई फ्रेंड्स वेंड्स कोई नहीं मिलने आने वाले, ठीक है। तुम खुद को देखो ब्रो, और अभी उसके जिंदगी में ऐसा ही फेज चल रहा है कि वो बिल्कुल फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहा है, वो बस अपने रैपिंग पे काम कर रहा है, एवरीथिंग ब्रो, ही इज मूव्ड ऑन ब्रो। Yo, that's the scene, bro. You know, जब भी it is a circle of life basically, जब भी वो घर आता है basically वो उसका भाई same चीजें करता है कि you know same बातें बोलेगा कि तू कब तक नशा करता है, कब तक ये गोटी वोटी का नशा करेगा, कब तक यू नो माँ बाप के बारे में कुछ सोच, और हर बार वो माँ बाप की बातें करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करके उसको वापस स्ट्रेस में डाल देगा, एंड वो वापस से स्ट्रेस्ड आउट होकर वरी से घर के बाहर निकल जाएगा और वापस से गाने लिखेगा, वरी भाइयों के साथ चिल करेगा, ठीक है, वरी राइड करेगा। तो दैट्स द सीन भाई कि अपन यही एक सर्कल है जिसमें सारे रैपर्स घूम के आगे बढ़ते, ठीक है। तो ईजिली मिल जाता ना तो सब सबके पास होता, सबके पास पैसा, सबके पास क्रेडिट कार्ड, सब क्यों नहीं फेमस हो रहे मेरे को वो बात बताओ यार। यो जिसने ये दिन देखे वही फेमस होगा भाई, और तुमने हमेशा ये चीजें देखी होगी, ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही फेमस होते हैं, ज्यादातर लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से तो बहुत ज्यादा। मेरो लाइफ में सब कुछ ठीक पार दे भगवान। यो यो आई रिमेम्बर विजय डी के एक रैपर है, उसकी लाइन भी है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, सक्सेस तो फिक्स है ब्रो, उसने मान लिया है उसकी सक्सेस फिक्स ही है। दैट्स द सीन ब्रो, मेरो घाटी चैपी मार दे भगवान, मेरो लाइफ में सब कुछ ठीक पार दे। एक सेकेंड ब्रो, ओ यामा बुद्धा सर का फोटो लगा हुआ है ब्रो, साइड में एमिनेम है, मेन ऐसे सेंटर में यामा बुद्धा सर को रखा हुआ है। यो आई रिस्पेक्ट हिम द सेम। देख रहे हो वही उसी गली से पास हो रहा है, वो वहीं जा रहा है, वही वही साइफर में ही घूम रहा होगा, देखना भी वो टूपाक। ओ डैम ब्रो, हुक लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से शायद उसके भाई को अब रियलाइज हुआ होगा कि या तो यू नो या तो मरने की बातें कर रहा है, या तो बस वो चीजें ठीक करने की बातें कर रहा है उसी करियर को लेके, जो भी है। तो यू नो देयर इज नो प्लान बी, जिंदगी में प्लान बी रखो मत, प्लान बी ये होना चाहिए कि प्लान ए को कैसे सक्सेसफुल करना है तुमको, समझ रहे हो। डैम आज कैसी बातें कर रहा हूं मैं। यो डैम ब्रो, क्या था, क्या दिखाते हो तुम मेरे को आजकल भाई, बहुत डीप चीजें दिखाते हो यार। मतलब इसके बाद मैं सच्ची बोलता हूँ, इसके बाद भी मुझे 10 बार और देखना पड़ेगा इस वीडियो को, पता है, टोटली रियलाइज करने के लिए, बहुत नई चीजें देखने के लिए। बट जितना हो सके अपन ने फर्स्ट टाइम में डिकोड किया, लेट मी नो भाई तुम्हारे सजेशंस क्या है, ऐसे रिएक्शंस और लाने चाहिए मेरे को, ठीक है, सीरीज निकालनी चाहिए, क्या बोलते हो तुम लोग मुझे बताओ यार फटाफट, अगर तुम बोलोगे मैं कल से चालू हो जाऊंगा यार। और या बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, जो स्पेशल वीडियोस है वो नहीं रुकने वाले, सीरीज इज लाइक कि अपन अलग से वो दिन का एक वीडियो या फिर मे बी दिन के 2 वीडियो, कभी फिर ऐसा एक दिन में साथ में 3 वीडियो और एक दिन नहीं आएगा, कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा मैनेज करते, पर सीरीज आती जरूर है, ठीक है। और बाकी जो वीडियोस दूसरे होते वो नहीं रुकते, बहुत सारी चीज़ें लाएंगे यार। मतलब मैं क्या बोलूँ इस गाने के बारे में यार, मेरे पास कोई शब्द बचते कभी तुमको लगता है ऐसा, मैं सब अंदर बोल देता हूँ। तो, मतलब मैं खुद को ऐसा मानता भी नहीं, मैं इनको रिव्यू क्या दूँ, मैं इनसे सीखता हूँ, समझ रहे हो, रोज़ 10 बार इनको देखता हूँ, इनसे सीखता हूँ। नवाज अंसारी ने भी यही बोला, इंस्पिरेशनल ब्रो, दैट्स द सीन, ही इंस्पायर्स द आर्टिस्ट भाई। सो सैड टू सी रैपर लाइक याबी आर अंडररेटेड एंड देयर आर सम हु आर डूइंग कॉन्सर्ट्स इंटरनेशनली जस्ट बिकॉज ऑफ वन लाइन गाइस, प्लीज सपोर्ट दिस गुड मैन। एक्जैक्टली वही सोचो, उसके गाने मिलियंस भी जा रहे हैं यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ यार तुम पहले तो यार, ठीक है।
डैम भाई, बहुत अलग वाइब, बहुत अलग वाइब। ये जो चीजें कर रहा है ना, सेम बेला कर रहा है इंडियन हिप हॉप सीन के लिए ब्रो। कम ऑन डैम, लेट्स गो भाई। बाकी प्यार दिखाओ यार, सब्सक्राइब करो जिसने अब तक नहीं किया, मुझे अपने रिव्यूज दे दो कमेंट सेक्शन में, लाइक करो वीडियो को, या अभी तक पहुंचाओ यार। ठीक है, मिलते तुमसे किसी और अच्छी रिएक्शन में। स्टे सेफ, वेयर मास्क, टेक केयर एंड टाटा। हुआ मैं तो ये गेमों का खेल के टिकटॉक और चूतियों की गाना हम पे लेते, गेम को घुमाता हूँ जैसे ये बेब्लेड, हल्का समझते अब कहता हूँ चेक में। स्कूल में तालिक तरह फुकती क्लास में, टिकते ही टिकते हैं घूमो गए बैच में, ढूंकी मिले फ्रॉम द पीपल हु आर फेक। आई एम 11 विद वुमन और अ स्नेक, अकेला काटा था मैंने बर्थडे केक, इमेजिनेशन में किया था बेक।